के लिए स्टॉक जो मुझे पसंद है, स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इलेक्ट कास्ट जिसका टिकर है। 45 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है और ये स्टॉक बेसिकली डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने के बिजनेस में है। मेरा ऐसा मानना है कि जो इस स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है, काफी लंबे समय की, लगभग 10 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। साथ में अभी अगर हाल का शॉर्ट टर्म का रिसेंट प्राइस फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर एक उस बड़े ट्रिपल बॉटम के विदिन एक शॉर्ट टर्म में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मल्टीपल जो प्राइस फॉर्मेशन है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मुझे लगता है ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए इन लेवल्स पे तैयार हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, क्लोजिंग बेसिस पर 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मेरा मानना है कि 65 रुपए के टारगेट 6 से 8 महीने के लिए रखें। उन लेवल पर भी मेरा ऐसा मानना है कि इनको रिवाइज करा जा सकता है। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग मेरी तरफ से आज लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन। 65 का टारगेट इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इसको रेडार पर रखें। 20 रुपए की मूव करंट लेवल से हिमांशु जी को इस स्टॉक में आती हुई दिख रही है। 40 का एक स्टॉप लॉस बेस पर लगाया जा सकता है।